हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ मिलाई हूँ शेयर करने के लिए बहुत ही स्पेशल, यूनिक और डिफरेंट तरीके से वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे झटपट इजी वे में तैयार कर सकेंगे। बहुत कम टाइम हो और आपको कुछ स्पेशल बनाने का मन कर रहा हो, कोई भी आ गए हैं आपके यहाँ पे गेस्ट, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ में मटर पनीर बिरयानी बनाने की रेसिपी, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट मसाले के साथ में मैं इसको तैयार करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और रेसिपी अगर अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा शेयर। तो चलिए बिना देर के भी हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये स्पेशल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं वो आपको बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप हरे मटर लिए हुए हैं, पनीर लिया मैंने जिसको डाइसेस में काटा हुआ है, और साथ साथ में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आलू, तो एक बड़ी साइज़ के आलू लिए जिसको मैंने डाइसेस में काटा हुआ है, एक शिमला मिर्च लिए जिसको भी मैंने डाइसेस में काटा हुआ है। यहाँ पे मैंने शिमला, पनीर और आलू को सेम साइज़ में काटा हुआ है। साथ में हमें चाहिए होगा एक टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है मैंने, चार पांच हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है, आप चाहे तो पेस्ट ले लीजिए। यहाँ पे अदरक लहसुन का एक चम्मच मैंने पेस्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चावल, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चावल ली थी जिसको मैंने सिर्फ नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया है और इनको मैंने 90% तक कुक किया है। तो चावल को रखते हैं साइड पर ढककर। तो ये तो हो गए हमारे सारे बिरयानी में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद में मैं आपको एक मसाला बनाना बता रही हूँ जो कि होममेड गरम मसाला है या बिरयानी मसाला, जो बहुत ही खुशबूदार मसाला बनकर तैयार होता है और इसको आप इस तरह से बनाइए और यूज़ कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बड़े चम्मच जीरा, ये क्यूमिन सीड्स है जिसको सफ़ेद जीरा भी बोलते हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दालचीनी के टुकड़े, तो छोटे बड़े मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं जिससे इसको ग्राइंड करने में आसानी होगी, तो ये भी मैंने एक बड़े चम्मच लिया हुआ है। यहाँ पर जावित्री की फूल ली है मैंने एक बड़े चम्मच, लौंग लिए मैंने आधे छोटे चम्मच, तकरीबन 10-12 दाने होंगे ये, और यहाँ पे एक जायफल लिया है मैंने। साथ में मैंने लिया हुआ है हरी इलायची जो कि मैंने ज़्यादा लिया है, और यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची मोटी वाली ली है, वो मैंने 8 दाने लिए हैं। तो हरी इलायची ज़्यादा लेनी है आपको और काली वाली इलायची कम लेनी है। साथ में मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता लिया हुआ है एक मुट्ठी, यहाँ पे धनिया के सीड्स लिए हुए मैंने एक बड़े चम्मच, और सौंफ लिया है मैंने एक छोटे चम्मच। अब यहाँ पे सारे जो गरम मसाले आ गए उनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, तो एक पैन लिया है मैंने जिसको मैंने गरम कर लिया है, और जैसे ही पैन आपकी गरम हो जाए आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, और जैसे ही आप मसाले डालें इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता नहीं डाला है, हल्का सा स्टर कर दे रही हूँ, फ्लेम याद रखिएगा मैंने बंद किया हुआ है अभी, और हाथों से मैं इसको टच कर कर देखूँगी। जब आपकी हाथ में फील होने लगे कि मसाला गर्म हो चुका है, बस आपको इस मसाले को निकाल लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है अलग प्लेट में, क्योंकि अगर ज़रा भी मसाला आपके पैन में रहा या ये थोड़ा सा भुन गया तो मसाला कड़वा हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस मसाला हमें इतना ही वार्म चाहिए कि हाथों को फील हो कि ये गर्म हो चुका है, बस इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ प्लेट में, और इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसका ग्राइंड कर फाइन पाउडर बना लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस मसाले की, याद रखें ज़रा भी अगर मसाला थोड़ा ज़्यादा भुन गया तो खुशबू चली जाती है और ये कड़वा हो सकता है मसाला, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में डाल लिया है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब मसाला हमारा इस तरह का ग्राइंड हो जाएगा तो यहाँ पे मैं अब इसमें डालूंगी तेज़पत्ता, तो तेज़पत्ता को मैं इस तरह से तोड़ कर डाल रही हूँ और वापस से एक बार इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो तेज़पत्ता को हमें बहुत पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। तो बस ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ मैं, और ये खुशबूदार होममेड आपका गरम मसाला या बिरयानी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इस मसाले को जब भी आप बिरयानी बना रहे हो, जब भी आप कुछ पनीर के डिशेस बना रहे हो, या तो बना रहे हो चिकन या मटन, आप इस मसाले को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सभी डिशेस में ये जाती हैं और ये बहुत अच्छी खुशबू देती है, ये मसाले खाने की रंगत ही बदल देती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस मसाले को मैं हमेशा बना कर रखती हूँ और इसे कर लेती हूँ स्टोर, और एयर टाइट कंटेनर में रखकर मैं इसको तकरीबन महीने भर चलाती हूँ। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, इसको मैं यूज़ करूँगी इस बिरयानी बनाने में। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच ऑयल। जब ये ऑयल अच्छी गर्म हो गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच शाही ज़ीरा। जब ये शाही ज़ीरा हल्का क्रैकल होने लगा है तो इसमें मैं डाल दूँगी हमारे आलू जिनको मैंने काटा हुआ है डाइसेस में। एक आलू लिए जिसको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में काटा हुआ है, तो इस आलू को मैं फ्राई कर ले रही हूँ जब तक ये गोल्डन सी ना हो जाए। तो आलू मैंने फ्राई कर लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया है, इनको निकाल लेती हूँ मैं, और इसी ऑयल में मैं पनीर फ्राई कर लेती हूँ। तो एक अगर हमें इंग्रेडिएंट्स डालने और फ्राई करते जाना है, तो यहाँ पे आलू और पनीर दोनों फ्राई हो चुकी है, देखिए पनीर के ऊपर भी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं गोल्डन, तो बस मैं इनको निकाल ले रही हूँ बाहर। तो जब आलू और पनीर हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं तो उसी ऑयल में मैं क्या कर रही हूँ कि शिमला मिर्चें जो थी हमने ली हुई उनको भी डालकर हल्का सा फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस फ़ौरन ही इसको निकाल लूँगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आलू पनीर और शिमला मिर्च तीनों बहुत अच्छे से हल्की फ्राई हो चुकी है। बस इसको रखती हूँ मैं साइड पे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब उसी ऑयल में जिसमें मैंने सारे फ्राई किए थे इंग्रेडिएंट्स, उसमें मैंने बिल्कुल ज़रा भी ऑयल नहीं डाला है, वहाँ पर डाल रही हूँ मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको भून लूँगी। तो इनके छींटे आ रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ढककर भून रही हूँ, हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि इससे जल्दी से मसाला भून जाए और इसका रॉ स्मेल फ़ौरन ही ख़त्म हो जाए। जब ये मसाला हमारा भून चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट, यानी कि क्रश किया हुआ जो मैंने लिया है, आप चाहे तो पेस्ट ले लीजिए, और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। इसी में मैं डालूँगी हमारा टमाटर का पेस्ट, और अब हमें इस तीनों मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने जिससे मसाले आपस में बराबर से मिल जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो नमक मैंने एक छोटे चम्मच लिया हुआ है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और ये वही मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बनाकर बताया है, तो ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक छोटे चम्मच। मसाला ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इस मसाले में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, तो ये मसाला बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालें। तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में जो मैं बिरयानी बना रही हूँ एक चम्मच जा रहा है यहाँ पे छोटे चम्मच से। तो गरम मसाला डालने के बाद मैं इस मसाले को मैं बराबर से चला दे रही हूँ, पानी मैंने डाला हुआ था, ढक्कन लगा दूंगी इसका और 2 मिनट तक इस मसाले को ढककर पका लूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है, इसमें से गरम मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जब ये मसाला हमारा कम्प्लीटली अच्छे से भुन चुका है तो इसमें मैं डालूंगी मटर। तो अच्छा, मैंने एक कटोरी मटर लिया हुआ है, ये सारा मैं डाल दे रही हूँ इस मसाले के साथ में, पहले इसको भून लूँगी। तो अब हमें मटर को थोड़ा सा कुक करना होगा, तो 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं, और पानी डालने के बाद मैं इसको बराबर से स्टर कर दूंगी। इसी में मैं डाल दूंगी आलू, क्योंकि आलू को हमने फ्राई किया हुआ है, हल्के टेंडर हो चुके होंगे ये, तो सबसे पहले आलू ज़्यादा वक्त लेती है टेंडर होने में, तो पहले मैंने मटर के साथ में आलू डाला है और अब ये आलू और मटर डाल दिए मैंने, इसका ढक्कन लगा दूंगी और 2 मिनट तक इसको टेंडर होने दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है, मटर को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ऐसे कुक होने में। इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हमारे पनीर जिनको मैंने फ्राई किया हुआ था, और शिमला मिर्चे डाल दूंगी यहाँ पे अच्छे से। अब हमें पनीर को इस मसालों के साथ में अच्छे से भून लेना है क्योंकि पनीर के अंदर भी इस मसाले का फ्लेवर्स और टेस्ट, नमक वगैरह सब अच्छे से चला जाए। तो वापस से मैं इसमें बिल्कुल 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, और पानी डालकर मैं यहाँ पे कुछ सेकंड पनीर को भी हल्का सा कुक कर ले रही हूँ। तो तकरीबन 1/2 से 1 मिनट हुआ होगा मैंने पनीर को अच्छे से कुक कर लिया है इस मसाले के साथ में। अब यहाँ पे सारे फ्लेवर्स वगैरह सब इस पनीर के अंदर जा चुके होंगे, ये सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, सभी में मसाले वगैरह सब चले गए होंगे। बराबर से मैं इसको लेवल कर दे रही हूँ, अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, 1 कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ स्लाइस किया हुआ, और इसमें डालूंगी मैं वो हमारा खुशबूदार तैयार किया हुआ मसाला। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच ये गर्म मसाला। इस बिरयानी में मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले हैं, और इसके ऊपर से मैं लेवल कर दूंगी हमारा बॉईल किया हुआ चावल, और अच्छे से लेवल कर दूंगी। वापस से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, 3 साबुत मिर्ची डाली है मैंने, यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ जिससे कलर बहुत प्यारा आ जाएगा, और उसके ऊपर मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये प्योर देसी घी है। और अब मैं इसकी ढक्कन लगा दूंगी, और तकरीबन हमें 5 मिनट तक इसको स्लो हीट पर दम देना है, उसके बाद में आपकी ये स्पेशल यूनिक डिफरेंट सी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इस मटर पनीर बिरयानी को हमें दम देते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी होगी। तो फौरन ही इसका मैं ढक्कन हटा रही हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे से इस पर दम आ चुका है, और ये चावल बहुत खिले खिले बड़े भी हो गए हैं, लंबे हो गए हैं साइज़ में, और गर्मा गर्मी मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और कर लूँगी इसे सर्व। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही कम टाइम में बनी हुई है स्पेशल यूनिक डिफरेंट मटर पनीर बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, मटर पनीर तो आपने बहुत ही खाया होगा, आपने कभी भी नहीं खाया होगा मटर पनीर बिरयानी, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत कम मसाले, कम टाइम और कम मेहनत के साथ में ये स्पेशल लाजवाब टेस्टी सी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। कभी भी आप जल्दबाजी में हो या हो आपके पास टाइम कम और आ गए हो आपके यहाँ पे गेस्ट, तो आप ये स्पेशल सी बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे कर दीजिए शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक बार जरूर लाइक कर देना, और इसे कर देना शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट करके भी बताना। आपको अगर कोई भी रेसिपी रिक्वेस्ट है या मेरे चैनल के रिगार्डिंग कोई है सजेशन तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और नए व्यूवर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।